रेडमी ने अपना K20 प्रो रिसेंटली चाइना में लॉन्च कर दिया है और उम्मीद है कि आपको ये फ़ोन जुलाई में इंडिया में भी लॉन्च होते हुए दिखेगा। अगर मैं इसकी स्पेसिफिकेशंस की बात करें तो इसमें आपको एंड्रॉयड वर्जन 9.0 यानी कि पाई का सपोर्ट देखने को मिलेगा। इसकी कस्टम UI हर बार की तरह MIUI ही होने वाली है। इसमें आपको MIUI 10.3 का सपोर्ट देखने को मिलेगा। अगर हम इसकी कलर वेरियंट अवेलेबिलिटी की बात करें तो इसमें आपको 3 कलर वेरियंट्स देखने को मिलेंगे जो कि है क्लेम रेड, ग्लेशियर ब्लू एंड कार्बन फाइबर ब्लैक। अब क्लेम रेड बहुत ही अच्छा दिखता है, वीडियो में देख सकते हैं। अगर हम इसकी डिस्प्ले की बात करें तो इसमें आपको 19:5:9 की एक्सपेक्ट रेशियो डिस्प्ले देखने को मिलेगी जो कि एमोलेड टाइप की होने वाली है जो कि फुल HD होने वाली है। इसकी पिक्सल डेंसिटी 403 PPI होने वाली है जिसकी प्रोटेक्शन कॉर्निंग की गोरिल्ला ग्लास 5 से की गई है। अगर हम इसकी स्क्रीन टू बॉडी रेशियो कैलकुलेट करें तो ये आपको कुछ 91% देखने को मिल जाएगी। इसमें आपको इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर देखने को मिलेगा जो कि काफ़ी अच्छी बात है। इसमें आपको अगर हम इसके चिपसेट की बात करें तो इसमें आपको क्वालकॉम का स्नैपड्रैगन 855 प्रोसेसर देखने को मिलेगा जो कि एक ऑक्टा कोर बेस्ड प्रोसेसर है जिसकी आर्किटेक्चर 64 बिट पर बेस्ड है। ये कमाल का प्रोसेसर है। अगर इसकी ग्राफिक्स की बात करें तो इसमें आपको Adreno 640 का ग्राफिक्स देखने को मिलेगा जो कि हाई गेमिंग के लिए एकदम परफेक्ट है। इसकी रैम 6 GB की होने वाली है जिसकी इंटरनल मेमोरी 64 GB की होने वाली है जिसे आप एक्सपेंड नहीं कर सकते। इसमें लगभग इसमें आपको सारी तरह के सेंसर देखने को मिलेंगे। ये फ्लैगशिप किलर होने वाला है जैसे कि रेडमी ने क्लेम भी किया हुआ है। अगर हम इसकी कैमरा की बात करें तो इसके बैक में आपको ट्रिपल कैमरा सेटअप देखने को मिलेगा जो कि है 48 MP प्लस 13 MP प्लस 8 MP का होने वाला है जिसमें कि 48 MP वाला कैमरा प्राइमरी कैमरा होगा, 8 MP वाला कैमरा डेप्थ सेंसिंग के लिए होगा और 13 MP वाला कैमरा वाइड एंगल के लिए होगा। इसमें आप 4K तक वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं और इसमें और भी कई तरह के शूटिंग मोड्स दिए गए हैं। इसमें आपको स्लो मोशन वीडियो रिकॉर्ड भी कर सकते हैं। अगर हम इसके फ्रंट कैमरा की बात करें तो ये 20 MP की होने वाली है जो कि एक पॉपअप सेल्फी कैमरा होने वाली है जिसकी फिजिकल अपर्चर f1.7 होने वाली है। इसका मतलब ये है कि आपको इसमें पूरी तरह से बेजललेस डिस्प्ले देखने को मिलेंगी। इसकी बैटरी की बात की जाए तो इसकी बैटरी 4000 mAh की होने वाली है जो कि लिथियम पॉलीमर टाइप की होने वाली है। इसमें आपको USB टाइप सी देखने को मिलेगा। इसमें आपको फास्ट चार्जर बॉक्स में देखने को मिलेगा जो कि 18W का होने वाला है। इसमें आपको 3.5 mm वाला नॉट जैक भी देखने को मिलेगा। तो मेरे हिसाब से ये फ़ोन तो काफ़ी लाजवाब है और अगर हम इसके लॉन्च डेट की बात करें तो ये 15 जुलाई को इंडिया में लॉन्च होते हुए दिख सकता है और इसकी प्राइस कुछ 25,000 होने वाली है। आपको अगर आपको ये फ़ोन लेना है तो आप डेफिनेटली इसका वेट कर सकते हैं क्योंकि एक लाजवाब फ़ोन है, मतलब कोई इसका कॉम्पिटिटर ही नहीं, एकदम मस्त वाला फ़ोन है। आप इसको अगर लेना चाहें तो आप बिल्कुल वेट कीजिए और इसे ले लीजिए। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और गिव अवे का लिंक डिस्क्रिप्शन में आप जाके चेकआउट कर सकते हैं और पार्टिसिपेट कर सकते हैं। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।